निजी मेडिकल कॉलेज में छात्रों ने फीस बढ़ोतरी के विरोध में प्रदर्शन किया है। छात्रों ने प्रदर्शन कर बढ़ाई गई फीस को वापस लेने की मांग की है। दरअसल मेडिकल कॉलेज में 2018 बैच के छात्रों की फीस उस वक्त निर्धारित नहीं की गई थी, क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था और उस समय 5 लाख फीस के साथ एडमिशन कराए गए थे। लेकिन अब कॉलेज प्रशासन का कहना है कि शुल्क निर्धारित कर दिया गया है। कॉलेज प्रशासन जहां एक ओर कोर्ट के आदेश का हवाला देकर छात्रों से बढ़ी हुई फीस देने की बात कर रहा है, वहीं छात्रों का कहना है कि वे इतनी ज़्यादा फीस देने में असमर्थ हैं, ऐसे में उन्हें समय दिया जाए। जबकि कॉलेज ने यह भी नोटिस देकर साफ कर दिया है कि जब तक पूरी फीस नहीं दी जाएगी छात्र इंटर्नशिप नहीं कर सकेंगे। यही वजह है कि छात्रों को आंदोलन करना पड़ा है। वहीं इस मामले को लेकर छात्रों का कहना है कि पहले कॉलेज प्रशासन द्वारा 5 लाख फीस बताई गई थी, लेकिन अब हर छात्र को 13-13 लाख रुपये फीस लेने की बात कही जा रही है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। और जिन बच्चों से ली भी जाती है फीस, उसके बाद भी क्लास फुल नहीं हो पाती और ये मालूम होता है कि वो क्लास पूरी नहीं कर पाएगा, उससे भी फीस लेके उतनी सेम क्लास की फीस लेके उसकी ईयर बैक लगा दी जाती है। इतनी इतनी सारी दिक्कतों के बीच हम यहाँ पे बैठे हैं। हम सबको प्रोटेस्ट के लिए हैं बैठे। हमारा कोई डिमांड नहीं है। कोर्ट का जो ऑर्डर होगा, हमारा जो चैलेंज होगा, उसके बाद जो होगा हम वो चीज़ फॉलो करेंगे।